नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पहलवान की दिनचर्या क्या होती है, जब पहलवान दोपहर को जब वो आराम करके उठता है तो वो जो लंच करता है तो उसके डाइटेशन ने जो चीज़ें उसको बता रखी हैं, चाहे दो रोटियां खानी हैं या चावल खाने हैं या कोई फ्रूट खाना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहलवान अपनी कैटेगरी, जैसे मैं 66 में खेलता हूं, 74 में खेलता हूं, उस कैटेगरी के आधार पर ही वो अपनी जो है डाइट वो लेता है। कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि पहलवान है, पहलवान पता नहीं क्या खाता होगा, एक बाल्टी दूध पीता होगा, 15-15 रोटियाँ खाता होगा, तो ऐसा नहीं है। पहलवान की भी एक आम आदमी जैसे होता है उसी तरीके से पहलवान होता है, और वो उसी तरीके से डाइट लेता है जो उसको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की उसको कार्बो की ज़रूरत होती है, उसको विटामिन की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से वो डाइट लेता है। फिर उसके उस डाइट को वो लेता है और उसके ही बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाता है, और जो शाम की वो ट्रेनिंग करता है तो उसमें जो कोचिज होते हैं वो ज़्यादातर आपको आपके शेड्यूल में टेक्निक प्रैक्टिस ज़्यादा वो रखते हैं और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं। और हफ्ते में 2 दिन वो जिम भी करता है शाम की ट्रेनिंग में, और रिक्रिएशन गेम भी करता है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। फिर वो शाम की ट्रेनिंग के बाद वो बादाम पीता है, जूस पीता है, दूध पीता है। फिर उसके सही 1-1.5 घंटे के बाद 9-9:30 बजे तक वो डिनर कर लेता है, और डिनर करने के बाद वो वॉकिंग करता है थोड़ी, उस जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद वो आराम करता है क्योंकि उसे सुबह 4 बजे फिर से उठना है और सुबह अपना काम फिर से उसी रफ्तार से करना है। इस तरीके से पहलवान की ट्रेनिंग का और डाइट का इस तरीके से एक सिस्टम होता है, और मैं मानता हूँ जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, जो इन चीज़ों पे एक धारणा बना के चलता है, तो वो अच्छा पहलवान भी बनता है और वो अच्छे रिजल्ट भी देता है। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि जो जो चीज़, कई लोगों का क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं कि सुशील जी क्या आप भी इन शेड्यूल को फॉलो करते हो, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि मैं इन्हीं शेड्यूलों को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और देश की सेवा कुश्ती के माध्यम से कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि आप लोग भी इन्हीं चीज़ों को देख के आगे बढ़ें। क्वेश्चन आए हैं कि एक पहलवान को, एक खिलाड़ी को किस तरीके से अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए, तो मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊँगा कि अपने वेट कैटेगरी को किस तरीके से आप लोगों को मेंटेन रखना है, किस तरीके के वेट को रिड्यूस करना है, किस तरीके की मेहनत उसमें करनी है, वो चीज़ें मैं अपने आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।